नमस्कार। हम लोग बाल विकास के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज लास्ट टॉपिक जो हमारा था बाल विकास के सिद्धांत था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से देखा होगा। निश्चित रूप से आपको प्रश्न परीक्षा में उससे मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाएं। सामान्य अवस्थाएं, सामान्य तौर पे विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा जाता है और अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि रास पर आधारित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि रास ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है। तो ठीक है, आइए उन्हीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, रास ने बाल विकास को चार अवस्थाओं में बांटा है। कितने अवस्थाओं में बांटा है? चार अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है ना। तो याद रखना है, रास ने बाल विकास को चार अवस्थाओं में बांटा है। पहली जो अवस्था है वो है शैशवावस्था। पहली अवस्था क्या है? शैशवावस्था। और इन्होंने क्या बताया कि शैशवावस्था कितनी अवधि का होता है? 1 से 3 वर्ष। तो रास के अनुसार शैशवावस्था कितना होता है? 1 से 3 वर्ष। दूसरी अवस्था इन्होंने बताया आरंभिक बाल्यावस्था। तो 3 से 6 वर्ष की जो अवधि थी इसको इन्होंने कहा कि यह आरंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है और इस तरह से ये दूसरी भाग उन्होंने बांटा। तीसरा उन्होंने जो अवस्था बताया वो है उत्तर बाल्यावस्था की, जिसकी अवधि होती है 6 से 12 वर्ष की होती है। और चौथा जो उन्होंने बताया किशोरावस्था, जिसको हम परिपक्व अवस्था भी कहते हैं, ये हमारा है 12 से 18 वर्ष की आयु का। तो इस तरह से रास ने अपने विकास के अवस्थाओं को बांटा, जिसमें सबसे पहले शैशवावस्था आपका 1 से 3 वर्ष, आरंभिक बाल्यावस्था आपका 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अब एक दूसरे मनोवैज्ञानिक का वर्गीकरण पढ़ते हैं, अर्नेस्ट जोन्स का। तो अर्नेस्ट जोन्स साहब ने बाल विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा भाई? चार अवस्थाओं में बांटा। तो अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास की अवस्थाओं को चार भागों में बांटा। पहली अवस्था इन्होंने बताया शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष होता है। याद रखना भाई, शैशवावस्था जो है गर्भाधान से नहीं जोड़ा जाता है, शैशवावस्था हमेशा जन्म से जोड़ा जाता है। तो याद रखना है कि शैशवावस्था की बात जहां भी की जाएगी तो हमेशा उसको जन्म से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो जन्म से 6 वर्ष एक शैशवावस्था बताया अर्नेस्ट जोन्स ने, बाल्यावस्था बताया 6 से 12, किशोरावस्था बताया 12 से 18 और वयस्कावस्था बताया 18 से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है। व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक की अवस्था उसकी वयस्क अवस्था के अंतर्गत आती है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, ठीक है। अगला जो वर्गीकरण है सैले, कई बार पूछता है कि सैले ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है। तो याद रखना है सैले ने बाल विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है शैशवावस्था जो था 1 से 5 वर्ष तक का, दूसरा है बाल्यावस्था जो है 5 से 12 वर्ष का, और तीसरा है किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष का। तो पहली अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, दूसरा है बाल्यावस्था जो है 5 से 12 वर्ष, और तीसरा है किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ते हैं, जो सामान्य वर्गीकरण, इसके आधार पर हम बहुत सारे सिद्धांतों को, बहुत सारे गुणों को या बहुत सारे परिवर्तनों को विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो वर्गीकरण क्या मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, इन सबका जो भी सार है तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा, विकास की सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? अगर कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो याद रखना है विकास की सबसे पहली अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था होती है। तो गर्भावस्था को 0 या भ्रूण से जन्म तक की अवस्था माना जाता है। 0 या भ्रूण निर्माण से लेकर के जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था माना जाता है। यह 9 माह 10 दिन का पीरियड होता है, अवधि होता है, या 280 दिन की अवधि को यह माना जाता है, ठीक है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गर्भावस्था या जन्म से पूर्व कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी गर्भावस्था या गर्भाधान के बाद का वर्गीकरण जन्म तक का, तो वो 3 अवस्थाएं होती हैं। हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरी अवस्था जो हमारी आती है वो होता है हमारा शैशवावस्था। तो मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था हमेशा कहाँ से शुरू होता है? जन्म से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? जन्म से शुरू होता है। तो जन्म से ये हो गया 6 वर्ष तक की अवस्था, ये हमारी हो गई शैशवावस्था। इसको ऐसा भी कहते हैं कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को
हम क्या कहते हैं, ये आपका शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था आपका हो गया 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था आपका हो गया 12 से 18 वर्ष, और ये हमारा जो सामान्य वर्गीकरण हो गया, ठीक है। इसके बाद से कई बार हरलाक से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि हरलाक ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है। तो याद रखना है कि हरलाक ने बाल विकास की अवस्थाओं को कुल जन्म से लेकर के, ठीक है ना, और वृद्धा अवस्था तक, जन्म से लेकर के वृद्धा अवस्था तक अगर बात करेगा, सुनेगा, इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक पूछ रहा है या जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक पूछ रहा है। तो याद रखना है हरलाक ने जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक बाल विकास की अवस्थाओं को कुल 11 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में बांटा है, और जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक कुल 8 भागों में बांटा है, ठीक है, कुल 8 भागों में बांटा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसको सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहली अवस्था इसकी होती है जो इन्होंने कहा गर्भावस्था होता है, गर्भावस्था के बाद दूसरी अवस्था शैशवावस्था होता है, फिर एक अवस्था इन्होंने दिया है बचपनावस्था, फिर एक दिया है पूर्व बाल्यावस्था, एक अवस्था इनकी है उत्तर बाल्यावस्था। अब देखिएगा, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में एक कड़ी के रूप में भी एक अवस्था के बारे में इन्होंने बताया है जिसको वयःसन्धि कहा जाता है। याद रखना साथियों, इसको कहा जाता है वयःसन्धि। तो वयःसन्धि कहाँ होता है? ये वयःसन्धि जो होता है बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। तो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो कौन सी अवस्था है हरलाक के अनुसार जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। तो वो अवस्था हमारी क्या है? वयःसन्धि है। उसके बाद से पूर्व किशोरावस्था आता है, फिर उसके बाद से उत्तर किशोरावस्था आता है। तो ये कुल 8 अवस्थाएं हमारे हो गई। इसके बाद से उन्होंने जो अवस्था दिया है वो है प्रौढ़ावस्था, उसके बाद से मध्यावस्था, और अंत में मैंने आपको बताया क्या है? वृद्धावस्था। तो इस तरह से हरलाक ने जन्म से लेकर के किशोरावस्था यानी परिपक्वावस्था तक कुल 8 भागों में अवस्थाओं को बांटा है, और जन्म से लेकर के वृद्धावस्था की बात करेगा तो कुल 11 भागों में बांटा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक हमारा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। बहुत मेहनत किया जाता है किसी वीडियो को बनाने के लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप सभी से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।